हे गाइस, आपका स्वागत है एक नई पॉडकास्ट में एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है डोंट लेट हिम स्टील माय चाइल्ड। सारा को अंधेरे से डर नहीं लगता, ना स्पाइडर से, ना सांपों से, और ना ऊंचाई से, और ना किसी और भयानक चीज से। उसे डर लगता है तो अपनी कोख में पल रहे उस बच्चे से। वो बच्चा जो उसके अंदर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो बन रहा है उसके खून से, उसके मांस से। और उसे डर है कि एक दिन जब वो दर्द देते हुए से बाहर आएगा तो उससे नफरत करने लगेगी, पर उसे पता है कि वो उसके बावजूद भी उससे बहुत प्यार करेगी। उसने उसके लिए इतना दर्द सहा, उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने सारे सपने, अपने सारे दोस्त छोड़ दिए, पर उसके बावजूद भी वो एक दिन अपने सपनों के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। और वो बस वहीं रह जाएगी, निराशा से भरी, अपना सब कुछ खो चुकी अपनी खाली जिंदगी में। और बस उसकी जिंदगी में रह जाएगा तो उसका बुढ़ापे का दर्द, कुछ यादें और एक इंतजार मौत का, जो उसे इस निराश जिंदगी से आजाद करेगी। वो सोचती है कि क्या होता अगर वो थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती और अपनी जिंदगी अकेले अपने आप बिताती। खैर, सारा को शुरू में तो डर नहीं लगा। उसे लगता था कि उसे और उसके हस्बैंड को ये बच्चा चाहिए। उसका हस्बैंड कर्क और वो अभी अभी एक नए घर में आए थे और वो तैयार थे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। हाँ, वो छोटी छोटी स्टूपिड चीजों पर लड़ते थे, पर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और उसे लगा कि शायद ये सब काफी था उसके हस्बैंड के लिए उस आने वाले बच्चे से प्यार करने के लिए। पर उसके हस्बैंड ने कहा, तो तुमने इससे पीछे छुड़वाने के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली या मैं अपॉइंटमेंट लूं? वो दोनों एक साल से शादीशुदा थे, पर उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वो ये बच्चा रखना चाहती है या नहीं। उसके बाद तो वो हर एक बात पर लड़ने लगे और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उनकी अच्छी जिंदगी झगड़ों में बदल गई। वो दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह चिल्लाने लगे। वो सोचती कि वो बच्चों वाली हरकतें कर रहा है और वो सोचता कि उसकी बीवी को बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए और ये जिद छोड़ देनी चाहिए। वो उसे कहती कि तुम किसी काम में मेरी मदद नहीं करते, और वो कहता कि तुम मेरी इज्जत नहीं करती। और देखते ही देखते एक दिन उसके हस्बैंड ने अपना सामान बांधा और वो गाड़ी लेकर निकल गया और वो बस हॉल में बैठी रोती रह गई। और उसके बाद उसने उसे 4 महीनों तक नहीं देखा। इतना वक्त काफी था उसके लिए अपनी जिंदगी में किए गए हर फैसले पर शक करने के लिए। फिर अचानक से एक दिन रात को 2 बजे वो घर आता है। वो अपने कमरे में सो रही थी। वो आते ही उससे माफी मांगता है और उसके साथ बेड पर आकर लेट जाता है। सारा को अंधेरे में भी पता चल जाता है कि वो उसका पति है उसकी आवाज से। हालांकि वो बहुत बुरी तरह से बदबू मार रहा था, पर वो खुश थी कि वो लौट आया था और उसे फर्क भी नहीं पड़ा कि वो ड्रंक भी था। उस रात वो दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत करीब आते हैं, और जब वो उसकी बाहों में उसकी चेस्ट पर सर रखकर सो रही थी तो उसे लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने वहीं लेटे हुए खुसफुसाते हुए कहा, मुझे खुशी है तुम लौट आए कर्क। और वो कहता है, मैंने अपना माइंड बदल लिया है, अब मुझे ये बच्चा चाहिए। और वो कहती है, ये हमेशा से तुम्हारा ही था कर्क, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ ये हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और उसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन जब वो उठी तो उसके बिस्तर, उसके शरीर पर खून ही खून था। उसे लगा मानो जैसे किसी ने उसे चाकू मार दिया हो। वो भागकर बाथरूम में गई और उसने जोर से चिल्लाकर कर्क को बुलाया, पर कर्क वहां नहीं था। उसका मिसकैरेज हो गया था। और मिसकैरेज में ऐसा नहीं होता कि बस हो गया और वो ठीक हो जाती, नहीं। उस पूरे दिन उसके शरीर से खून निकल रहा था और मानो उस दर्द में उसकी आत्मा भी उस बच्चे के साथ निकल रही हो। वो इतने दर्द में थी, वो वहीं सुकड़कर उस बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी रोती रही। किसी तरह उसने उठने की कोशिश की और खुद को शीशे में देखा तो उसे अपनी जांघों के बीच से बहते हुए खून को देखकर गुस्सा आ गया और उसने शीशे को पंच मारकर तोड़ दिया। उसे उस शीशे टूटने से हाथ में दर्द तो हुआ, पर वो दर्द उसे महसूस करा रहा था उसके शरीर से वो बच्चा चले जाने के बाद भी। बाहर यह उसका शरीर अभी भी जिंदा है। उसके शरीर से वो जो छोटा सा बच्चा निकला था, वो उसे फ्लश नहीं कर सकती थी, ना उसे फेंक सकती थी, और उससे छुआ भी नहीं जा रहा था। उसने उसे बस वहीं उस फ्लोर पर छोड़ दिया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो दर्द में बस करवटें ही बदले जा रही थी, पर फिर भी वो दर्द कुछ भी नहीं था उस दर्द के सामने जो उसे ये जानकर हुआ कि उसके साथ ये सब कर्क ने किया था। उसे नहीं पता कि उसने ये सब कैसे किया या क्यों किया,
पर कल रात जब कर्क आया था तो उसने उसके बच्चे को मार दिया और वो सोचती है कि अगर कल रात वो उस पर गुस्सा करती या चिल्लाती तो शायद वो उसे भी मार देता। उसे पता था कि कर्क अब कभी नहीं लौटने वाला था और जैसे ही उसे थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ तो वो तुरंत ड्राइव करके डॉक्टर के पास चली गई चेकअप कराने के लिए और तब उसे वहाँ एक बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ मिली। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसकी कोख में एक हेल्दी बच्चा पल रहा है, एक बेबी बॉय। पूरे हेल्थ चेकअप में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसका कोई ब्लड लॉस हुआ है क्योंकि वो पूरी तरह से हेल्दी थी, उसकी वाइटल्स भी स्ट्रांग थी और उसे अनीमिया भी नहीं हुआ था। डॉक्टर नहीं बता पाया कि वो सब क्या था, तो डॉक्टर ने उसे कन्विंस किया कि वो पूरी तरह से हेल्दी है और शायद हो सकता है उसे डर या घबराहट की वजह से हेलुसिनेशन हुआ हो। पर जब वो घर पहुंची तो उसके बाथरूम में बना वो खून का स्विमिंग पूल तो कुछ और ही कहानी बता रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके शरीर से क्या बाहर आया था और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि जो उसके शरीर से बाहर आया है वो उसे उठाकर ले जाए डॉक्टर के पास एनालाइज कराने के लिए। उसने बस पूरा बाथरूम साफ किया और भगवान को शुक्रिया कहा कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ उसे कर्क की तरफ से मिली। उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसे लगा कि वो फिर से माफ़ी मांगने के लिए आया है, पर इस बार उसने सोच लिया था कि वो उसे माफ़ नहीं करने वाली। वो उसे कह देगी कि वो और उसका बच्चा उसके बिना अकेले ही खुश हैं। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कर्क के पिता थे। उसने उन्हें अंदर बुलाया और वो दोनों सोफे पर बैठ गए। कर्क के पिता ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, तुम्हें कर्क से बहुत उम्मीद थी, पर अगर तुम्हें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमारे पास आ सकती हो। कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि वो कितना सहनशील है जब तक उस पर ना बीते, और मुझे तुम पर बहुत नाज है कि तुम उसके बिना भी अपनी ज़िंदगी जी रही हो। कर्क के पिता की आंखों में आंसू आ गए जब सैरा ने कहा कि वो कभी भी उसके पास आ सकते हैं, उसकी फैमिली से मिल सकते हैं और अपने ग्रैंड चाइल्ड से कभी भी आकर मिल सकते हैं। उन्होंने सैरा को गले लगाया और उसके पेट पर हाथ रखकर दुआएं दी और उसे बताया कि कैसे कर्क अपने बचपन में अलग अलग गेम्स खेला करता था। जाते हुए उन्होंने गुड बाय कहा और कहा कि वो अगले हफ्ते फिर से आएंगे ये देखने कि वो ठीक है और उसे कुछ चाहिए तो नहीं। कर्क के पिता ने कहा कि काश कर्क उसे बड़े होते हुए देख पाता। सैरा को कर्क से अब कुछ लेना देना तो था नहीं, पर उसके पिता को ऐसा कहता देख उसका दिल पिघल गया और उसने कहा कि आप उससे कह दीजिएगा वो चाहे इस बच्चे का पिता बनना चाहे या नहीं, पर वो इस बच्चे से मिलने आ सकता है। कर्क के पिता ने अजीब सा चेहरा बनाया और फिर एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ उसे भी ये पसंद आता, खैर फ्यूनरल संडे को है, उम्मीद करता हूँ तुम और बेबी दोनों आओगे एक आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए। गेट बंद होने तक तो सैरा को वो आखिरी शब्द समझ भी नहीं आए थे। कर्क उसे ही छोड़कर नहीं गया था, वो तो सब कुछ छोड़कर चला गया था। वो उसे 2 दिन पहले ही मिली थी। इस बात को उसने तब तक छुपाया जब तक उसे फ्यूनरल में पता नहीं चला कि कर्क ने एक शॉटगन को अपने मुंह पर रखा और गोली मारकर 2 हफ्ते पहले अपनी आत्महत्या कर ली। तो यानी जो कोई भी या जो कुछ भी उस रात आया था और जिसे बच्चा चाहिए था वो कर्क तो बिल्कुल नहीं था। और तब से ही सैरा को अपनी उस कोख में पल रहे बच्चे से डर लगने लगा था। वो भूल नहीं पा रही थी कि वो जो उस बाथरूम में था वो उसका और कर्क का असली बच्चा था और जो उसकी कोख में पल रहा है वो उसका था जो उस रात आया था। पर वो था कौन या क्या था वो? और तब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या इस बच्चे को ज़िंदा रखना खतरनाक नहीं होगा, या फिर वो इतना खूबसूरत है कि उसे उस बच्चे को थैंक यू कहना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए उस बाथरूम में। अब उसे बाहर निकालने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वैसे भी सैरा अगर ये कर पाती तो कभी ऐसा नहीं करती। और फिर एक बार जब सैरा 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब फिर से रात को 2 बजे किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। सैरा डर के मारे बिस्तर पर ही लेटी रही इस उम्मीद में कि शायद वो जो कोई भी है वो चला जाएगा, पर नहीं, फिर से किसी ने नॉक किया और इस बार नॉक लगातार हो रही थी। वो ऐसा था मानो जैसे अगर सैरा ने जवाब नहीं दिया तो वो उस दरवाजे को तोड़ देगा। और तब बाहर से आवाज़ आई, मुझे पता है तुम अंदर हो। वो कर्क की आवाज़ थी। सैरा तुरंत आवाज़ को पहचान गई और तब उसने चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहाँ से। पर जैसे ही उसने ये कहा उसे रिग्रेट हुआ कि उसने जवाब क्यों दिया। चारों तरफ सन्नाटा सा हो गया। वो कुछ पल की शांति ऐसी लग रही थी मानो कई घंटे बीत गए हो, और वो शांति कुछ कम नहीं थी कि सैरा को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सैरा में हिम्मत नहीं हो रही थी
कि वो उस चीज़ या वो जो कुछ भी था उसे जाकर देखे कि वो घर में कैसे घुसा। उसने बस बेड साइड के टेबल से अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। उसने कुछ फुसाते हुए फ़ोन पर कहा, मुझे मदद चाहिए प्लीज़, कोई मेरे घर में घुस गया है। और तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुमने उससे वादा किया था। वो आवाज़ कर की थी। सारा के हाथ कांपने लगे, वो कॉल भी उससे कट नहीं हो रहे थे। उसने बस फ़ोन को अपने से दूर फेंक दिया और डरकर उस बिस्तर पर ही पड़ी रही। वो खुद को समझाने लगी कि यह बस इल्यूजन है और कुछ नहीं, या फिर हो सकता है शायद कोई बुरा सपना हो। पर यह सपना कैसे हो सकता था, क्योंकि उसे किसी की सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ आ रही थी, कोई ऊपर ही आ रहा था। और तब करके आवाज़ कमरे के बाहर से आने लगी, क्या प्रॉमिस किया था तुमने मुझसे। वो उसके सवाल का जवाब देना तो दूर, वो तो सांस भी नहीं ले पा रही थी। और जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो सहरा की सांसें मानो जैसे रुक सी गई। गर्ग दरवाजे पर खड़ा था, उसका आधा चेहरा नहीं था, वो वही हिस्सा था जहां उसने शॉटगन रखकर चलाई थी। वो सोचने लगी कि क्या ही उस रात भी ऐसा ही दिख रहा था जब उन दोनों ने एक दूसरे से लव किया था उस आखिरी बार। उस रात अंधेरा तो था, पर गर्ग में से सहरा को आज भी वैसी ही बदबू आ रही थी जैसी उस रात आ रही थी। और तब सहरा चिल्लाकर कहती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। और वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा है। वो ये कहते हुए धीरे धीरे सहरा के पास आता जा रहा था। बाहर जाने का बस एक ही रास्ता था और वो उसी रास्ते से आ रहा था, तो सहरा भाग भी नहीं सकती थी। सहरा की आंखों से आंसू निकल गए और उसने डरते हुए कहा, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने उस बच्चे को अभी निकाला तो, प्लीज़ उसे पैदा तो हो जाने दो प्लीज़। और तब उस चीज़ ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा बच्चा है और मुझे अभी चाहिए। वो उस सड़ चुके शरीर को लेकर सहरा के बिस्तर पर चढ़ जाता है। सहरा को उसके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा था, तो जब उसने ये सोचा कि वो अपने उन गले हुए हाथों से उसके शरीर से वो बच्चा निकालेगा, तो उसे डर से चक्कर ही आ गए और वो बस आगे गिर ही जाती। पर उस चीज़ ने सहरा को उसके हाथों से पकड़ लिया। उसके ठंडे पड़े हाथ और नाखून सहरा को अपनी स्किन पर महसूस हुए। वो देखना तो नहीं चाहती थी, पर उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे उसकी सड़ी हुई स्किन के कुछ हिस्से उसके बिस्तर पर गिर रहे थे। सहरा सोचती है, ये जो चीज़ है, उसने कभी उसके हाथों में अपने प्यार की अंगूठी पहनाई थी। उसने भगवान और अपनी फैमिली के सामने उसे हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। उसने सोचा कि अगर वो अपनी आँखें बंद कर लेगी तो उसे वो हाथ जो उसे अभी अपनी बाहों में ले रहे हैं, वो उसे वैसे ही महसूस होंगे जैसे कभी पहले हुआ करते थे, जब वो अपने पति की बाहों में हुआ करती थी हर रात सोने से पहले। और तब सहरा ने, जो उसका कभी हस्बैंड हुआ करता था, उससे पूछा, क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। तो गर्ग ने कहा, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, तुम वैसे भी बदले में मुझे प्यार नहीं दे सकती। सहरा का हर शब्द उसकी और उसके बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए था। अगर मैं प्यार दे पाऊँ तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। तुम नहीं कर सकती, अगर कर पाती तो मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाता। पर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर नहीं करते तो तुम लौट कर नहीं आते। हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक कल्चर या हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाकर पढ़ लो, तुम्हें यही मिलेगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है। पर सहरा ने जब उस चीज़ को किस किया तो उसने अपने बच्चे के लिए नहीं किया था, उसने वो खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए किया था। सहरा उस पल सोचती है कि अगर वो कर सकती तो अपने ही शरीर से अपना बच्चा खींच कर निकाल देती और उसे दे देती अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। वो सोचती है कि वो दुनिया की सबसे बेरहम माँ है, क्योंकि जब वो चीज़ या फिर कर्क जब उससे सेक्स करके हटा, तब भी सहरा ने उसे वादा कर दिया कि उसे ये बच्चा दे देगी जब वो पैदा होगा। पर जब वो बच्चा पैदा हुआ तो सहरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दिमाग कितना बदल चुका है, क्योंकि जब उसने अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में पकड़ा तो वह ऐसा नहीं था कि हाँ बस एक बच्चा हुआ है। वो उसके शरीर का अब ज़्यादा हिस्सा था बजाय तब के जब वो उसके अंदर था। और वो समझ गई थी कि उस बच्चे के लिए जीना कोई सेक्रीफाइस नहीं था, क्योंकि वो जो कुछ भी उस बच्चे के लिए करेगी बेसिकली वो सब कुछ अपने लिए ही करेगी। उसे पता है कि उसने उस चीज़ को जो कभी उसका हस्बैंड हुआ करता था उसे वादा किया था, पर वो अब उस वादे को तोड़ने वाली थी, क्योंकि अब उसके पास सच में कुछ था जिसके लिए वो जीने मरने को तैयार थी। वो उसे अपना बच्चा नहीं देने वाली थी चाहे जो कुछ भी हो जाए, और तब तक वो सब कुछ करेगी जो भी वो एक सिंगल पेरेंट होकर कर सकती है। उसे रातों को नींद नहीं आती और वो बच्चा रोकर उसे जगाकर नहीं रखता, बल्कि वो रात के 2 बजे की दस्तक का इंतज़ार उसे सोने नहीं देता।
तो खैर, ये आज की पॉडकास्ट की एक नई कहानी थी। इसे लिखा है टोबियस वीड ने और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ अगली बार। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। गुड बाय।